अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से होंगे? और मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे डॉलमेन मॉल, कराची डॉलमेन मॉल। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी जगह है, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी क्यों ना शेयर किया जाए। वहाँ पर कार्निवल था, समर कार्निवल लगा हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त। और बच्चों के साथ गई थी इसलिए इन्जॉय भी बहुत किया। वहाँ पर शॉपिंग किया कि कहाँ पर कितनी सेल थी, मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। तो यहाँ पे लगा हुआ था बैक टू स्कूल, यहाँ पे एक लेडी थी, वो बैग जो है स्कूल बैग सेल कर रही थी और काफ़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस में थी। अनफॉर्चुनेटली कि मैंने बैग्स पहले से बाय किए हुए थे इसलिए मैं यहाँ से ले नहीं सकी, लेकिन इसकी लास्ट जो प्राइस थी वो 2500 थी, यानी कि जो आखिरी बैग की जो प्राइस थी वो 2500 थी, 2500 थी। तो काफ़ी अच्छे रिजनेबल थे, 1500 से 2500 के अंदर आपको बहुत ही अच्छे बैग्स यहाँ से मिल सकते हैं, आप आ सकते हैं। और अगर आपको अपने बच्चों के लिए बैग शॉपिंग करनी है, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, बैक टू स्कूल थी, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सी बसेस बनाई हुई थी और बच्चे काफ़ी इसको लेके एक्साइटेड हो गए। बच्चों को काफ़ी स्कूल मिस कर रहे हैं, अपने स्कूलों को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिफ्ट से अब ऊपर जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने बच्चों को सबको सिंधबाद में छोड़ा कि मैंने ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को जो है ना एक दफ़ा आराम से कहीं भी प्लेइंग एरिया में छोड़ दें और उसके बाद आराम से आप शॉपिंग कर सकते हैं। सिंधबाद में बच्चों की एक्टिविटी के लिए बहुत कुछ है, यहाँ पे जो है ना प्लेइंग एरिया बना हुआ है, वहाँ पर तकरीबन 750 पर हेड पर चाइल्ड है। तो वहाँ पे मैंने इनको एक बच्चे को वहाँ पर छोड़ दिया, वो प्लेइंग एरिया में खेलते रहे और मैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए निकल गई थी। एक्सलेटर से ऊपर जाते हुए मैंने देखा एक न्यू किड्स ब्रांड लॉन्च हुआ है, आई थिंक इस्लामाबाद की कोई ब्रांच है और यहाँ पे रोल ओवर के नाम से यहाँ पे इन्होंने न्यू लॉन्च की है। और काफ़ी अच्छे, मतलब बहुत अच्छे कैजुअल से इनके ड्रेसेस थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि 23 जुलाई तक इनकी जो है ना फ्लैट 50 जो है ना सेल है, और मुझे यहाँ सेल पे बहुत अच्छे बच्चों के कपड़े मिले हैं, काफ़ी रीज़नेबल पड़ गए हैं। जो हम नॉर्मल जो लोकल ब्रांड से ख़रीदते हैं उससे मेरी प्राइस काफ़ी कम पड़ गई थी। और ब्रांड से अगर हम लेते हैं तो हमारे कपड़े, हमारे बच्चों के कपड़े बहुत चलते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं कपड़े। तो यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पे कपड़े मिल सकते हैं। 23 जुलाई तक अगर आप चाहें तो यहाँ पर आकर आप शॉपिंग कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे इनके स्टफ़ था। और अच्छा, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, आपको लग रहा होगा शायद इनके कोई प्रमोशन कर रही हूँ, मैं बस ऐसे ही शौक चढ़ रहा है कि इनकी प्रमोशन कर दूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से लिए हैं तो यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छे, कपड़े बहुत अच्छे, इनका स्टाफ बहुत अच्छा था। तो मैं चाह रही हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, यहाँ पर ऑफ बहुत अच्छी लगी हुई थी। इनफैक्ट डॉलमोर में हर जगह पर सेल थी और किसी पर फ्लैट 30, 40, 50 तक लगी हुई थी और काफ़ी अच्छा था। मैं इसके बाद मैं मिनी मार्केट गई और मिनी मार्केट में मुझे कुछ समझ नहीं आया, वहाँ के जो है ना बहुत ज़्यादा प्राइजेस हैं, वहाँ पे मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद मैं जा रही हूँ बीच ट्री पेपरलैंड है, पेपरलैंड में आपको बहुत ही अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, ऑनलाइन कुछ देखी लेकिन मुझे ऑनलाइन कुछ समझ नहीं आता इसलिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना पसंद करती। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा व्यू है, मुझे तो यहाँ पर पहले तो खड़े होकर मैं देखती रही डॉलमेन मॉल के नज़ारे, लोगों को आता जाता बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से निकल के फिर मैंने सामने बीच ट्री था, बीच ट्री में गई। क्योंकि मुझे अपने लिए शॉपिंग नहीं करनी थी तो इसलिए मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधा बच्चों के सेक्शन में चली गई। अगर मैं यहाँ वहाँ देखती तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने ले ली थी, इसलिए सिर्फ बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी, सिर्फ बच्चों की शॉपिंग की। इसके बाद फिर मैंने फ्री होकर मैंने बच्चों को सिंधबाद से लिया और KFC से बर्गर और आइसक्रीम लेके दी। बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं था, क्राउड बहुत था, इसलिए जो है मैं क्लिप नहीं बना सकी मज़ीद, और बस ब्लॉग को एंड करती हूँ, उसके बाद मैं घर चली गई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।